खबर आ रही है जहां पे यूजीसी नेट मामले में सीबीआई की छापेमारी हुई है। यूपी के कुशीनगर में सीबीआई की छापेमारी हुई है और यहां से दो आरोपियों को पूछताछ कर रही है यहां पे सीबीआई। 19 जून को हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा, रद्द कर दी गई थी। इसके बाद से देखिए जो सीबीआई की ओर से कार्रवाई का दौर है वो भी यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। कुशीनगर में सीबीआई ने छापेमारी की है और यहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल दो आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूजीसी नेट मामले में ये छापेमारी चल रही है। यूपी के कुशीनगर का इलाका देख रहे हैं आप, जहाँ पर सीबीआई की ओर से छापेमारी की जा रही है और छापेमारी के दौरान यहाँ पर दो आरोपी उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रद्द करने के बाद से यहाँ पे जो सीबीआई की रेड है वो देख रहे हैं आप। सीबीआई की रेड के दौरान यहाँ पे जो आरोपी है, दो आरोपी, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी कि यूजीसी नेट से लेकर तमाम जो परीक्षाएं हैं वो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में एनटीए भी है और शायद यही वजह है कि अब जो जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। और आज इसी मामले में सीबीआई की छापेमारी कुशीनगर में हुई है और छापेमारी के दौरान यहाँ पे जो दो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि वही दूसरी ओर नीच मामले को लेकर की भी लगातार छापेमारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये कि सवाल दरअसल ये कि सॉल्वर गैंग का आखिर मुखिया कहां फरार है, झारखंड टू बिहार है, कितने गुनहगार है। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर क्यों जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी बात और बड़ी खबर ये कि सीबीआई की ओर से कार्यवाही का दौर चल रहा है। यूपी के कुशीनगर से तार जुड़ रहे हैं, लिहाजा कुशीनगर में सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान जो दो आरोपी जिन पर शक है उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद बहुत सारे तार और भी खुल के निकले आने सामने आने बाकी है, जिसके जरिए कम से कम पता लगाने का प्रयास ये कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है पूरे मामले का।